दोस्तों, क्या आज से 400 साल बाद डोरेमोन बनाया जाएगा? और अगर ये इम्पॉसिबल है तो हमें डोरेमोन की 400 साल पुरानी बॉडी कैसे मिली? क्या डोरेमोन सच में फ्यूचर से पास्ट देखने आया था? और क्या फ्यूचर में टाइम मशीन बनाई जाएगी? तो चलिए आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि रियल डोरेमोन कैसे खोजा गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो एकदम शुरुआत से बात करते हैं, जो बात है 13 अप्रैल 2022 की। टाइम 3:46 PM, जब काफी मिस्टीरियस सा ट्विटर पे ट्वीट किया गया था। उसे देखकर सभी शॉक हो गए थे और वो ट्वीट था ये। फोटोज तो आपको समझ आ रही होगी, लेकिन फोटोज के ऊपर जो लिखा है ये आपको शायद समझ ना आए, तो इस टेक्स्ट का ट्रांसलेशन है ये। तो अब भी आपको कुछ समझ आया? नहीं ना? तो चलिए जानते हैं। तो एक डाइवर थे जो सगामी घाटी के वेस्टर्न एंड पर इनोरा डाइविंग टूर पर थे। तो इस टूर पे वो समुन्द्र के काफी गहराई में गए थे। वहाँ उन्हें एक डॉल दिखी थी और उसका कलर था ब्लू। वो उस डॉल को देखने उसके और नजदीक गए। जैसे ही उन्होंने उस डॉल को देखा वो बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि वो डॉल हमारे प्यारे डोरेमोन की थी। और अजीब बात तो ये है कि वो डॉल डरे हुए रिएक्शन में थी। अब आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि आजकल तो डोरेमोन के टॉय हर जगह मिल रहे हैं, और शायद किसी ने डोरेमोन के टॉय को समुंदर में फेंक दिया होगा। लेकिन दोस्तों, आगे की बातें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस बात के पीछे की असलियत क्या है। तो उसके बाद डाइवर ने उस डोरेमोन को उठाने की कोशिश की, लेकिन डोरेमोन वहां से हिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो डॉल बहुत ज्यादा भारी थी और वो मेटल जैसे किसी मटेरियल से बनी हुई थी। और एक बात मैं आपको बता दूं, डोरेमोन का रियल वेट 129.3 kg है, और रियल में अगर आप इतना वेट उठाना चाहो तो वो बहुत ज्यादा भारी हो सकता है। तो उसके बाद डाइवर को बहुत शक हुआ, क्योंकि कोई भी टॉय इतना ज्यादा भारी नहीं हो सकता, और उन्हें ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि वो टॉय आखिर किस चीज से बनाया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी टीम से कांटेक्ट किया और टीम इस बात पर रिसर्च करना शुरू कर, और उस डोरेमोन टॉय को बाहर निकाला गया। उस टॉय पर जापान के किसी अच्छे लैब में रिसर्च की, और दोस्तों रिसर्च के बाद ऐसी चीजें सामने आई जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओ। तो रिसर्च में पहली बात ये पता चली कि इस डोरेमोन टॉय को आज 450 साल पहले बनाया गया। मतलब ये टॉय 450 साल पहले की, यानी कि करीब ईयर 1573 में इसको बनाया गया। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक हम सबको पता है कि डोरेमोन की फर्स्ट मांगा सीरीज 1969 को रिलीज हुई, तो 450 साल पहले डोरेमोन की डॉल कैसे बन सकती? ये रिसर्च इतनी बात पर रुका नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि ये कोई डोरेमोन का टॉय या फिर डॉल नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल में एक रोबोट। और तो और, इस रोबोट में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है कि वो टेक्नोलॉजी से 2 गुना आगे है। उसे एक ऐसी अलग टेक्नोलॉजी से बनाया है जो इस टाइम में पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब सोचने की बात ये आती है कि ईयर 1573 यानी 450 साल पहले ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसको इन सारी टेक्नोलॉजी के बारे में पता था, और तो और डोरेमोन के बारे में भी, क्योंकि आप फोटोज में देख सकते हो कि ये रोबोट पूरी तरह से डोरेमोन की तरह ही दिख रहा है। तो अब बात ये आती है कि वो इंसान कौन होगा जिसने डोरेमोन जैसे रोबोट को 450 साल पहले बनाया होगा, या फिर ऐसा तो नहीं कि कोई फ्यूचर से पास्ट में चला गया हो, या फिर क्या रियल डोरेमोन ही फ्यूचर से पास्ट में गया हो और वहाँ पर जाके फंस गया हो, और क्या सच में टाइम मशीन बनाई गई?
इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता चलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो दोस्तों, अगर आप रियल डोरेमोन फैन हो और आप आगे के सारे डोरेमोन के मिस्टीरियस फैक्ट को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारी तरह और डोरेमोन लवर्स को शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।